हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके इस यूट्यूब चैनल मूवीज़ फॉर योर रिएक्शन में। और आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ लूसीफर मूवी के आखिरी सॉन्ग के ऊपर। और लूसीफर मूवी के मैंने काफ़ी सारे सॉन्ग पे रिएक्शन दिया है, आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज मैं इसके आखिरी सॉन्ग यानी कि एक एंथम सॉन्ग है, आज मैं इसके एंथम सॉन्ग पे रिएक्शन देने वाला हूँ। और सॉन्ग का नाम है एल एंथम, और इस सॉन्ग को गाए हैं उषा उत्सुप जी ने, और लिरिक्स भी लिखे हैं उषा उत्सुप जी का है लिरिक्स, और म्यूजिक है दीपक देव जी का। तो चलिए जल्दी से पहले इस सॉन्ग को देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और भी रिलेटेड रिएक्शन देखने के लिए। तो चलिए जल्दी से पहले इस सॉन्ग को देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। William Shakespeare. सो फ्रेंड, तो बात करें इस सॉन्ग के बारे में, तो ये एक एंथम सॉन्ग है। और इसमें हमने देखा कि काफ़ी सारे थॉट्स हमें देखने को मिले, काफ़ी अलग अलग लोगों के द्वारा, काफ़ी पुराने लोगों, महान व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए थॉट्स हमने इस सॉन्ग में देखने को मिले। जैसे जिसमें से हमने एक थॉट देखा विलियम शेक्सपियर का, एक थॉट देखा चाणक्य का, एक थॉट देखा एंशियंट लाइन का, और भी बहुत सारे, काफ़ी सारे लोगों के द्वारा लिखे गए थॉट्स को हमने इसमें देखा। और ये काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी सारे थॉट्स हमें देखने को मिले, और काफ़ी सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर के हेडलाइंस भी देखने को मिले हमें, काफ़ी सारी बहुत कुछ देखने को मिला। तो सॉन्ग काफ़ी बेहतरीन है, एक 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 एंथम सॉन्ग इस मूवी के लिए काफ़ी परफेक्ट सॉन्ग है, ये काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग है। और इस सॉन्ग को गाया है, जैसे कि मैंने बताया था, इस सॉन्ग को गाया है उषा उत्सुप जी ने, और इसके जो लिरिक्स भी लिखे हैं वो उषा उत्सुप जी ने ही लिखे हैं, और एज यूजुअल म्यूजिक है दीपक देव का।
जो कि काफ़ी सारी हर एक सॉन्ग के लिए अपना म्यूज़िक दिए हैं। इस मूवी में सारे सॉन्ग के लिए उन्होंने म्यूज़िक दिया और सारे सॉन्ग काफ़ी बेहतरीन हैं। मैंने सारे सॉन्ग पे भी रिएक्शन दिया था है और आप उसे जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने सारे सॉन्ग, लगभग सारे सॉन्ग लूसीफर मूवी के मैंने रिएक्शन दिया है और सारे सॉन्ग काफ़ी बेहतरीन हैं। और बात करें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी, ये मूवी रिलीज हुई थी 28 मार्च को ये मूवी रिलीज हुई थी इसी साल, और इसने करीबन 165 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस मूवी ने काफ़ी बेहतरीन मूवी थी, फर्स्ट वीक में ही इसने 50 करोड़ के बजट को पहुंचा दिया था। फर्स्ट वीक में ही इस मूवी ने 50 करोड़ के बजट को पार कर लिया था और सेकेंड वीक में 100 करोड़। तो काफ़ी बेहतरीन, लोगों ने काफ़ी पसंद किया इस मूवी को। और ये पृथ्वीराज सुकमन द्वारा डायरेक्टेड मूवी है और उनकी ये फर्स्ट डायरेक्शनल मूवी है एज अ डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकमन जी की। और इसमें लीड रोल में हमें नज़र आए थे मोहनलाल सर जी, जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है और काफ़ी बेहतरीन है। इतनी उम्र होने के बाद भी वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतनी बेहतरीन अपने रोल को निभाते हैं, वो काबिले तारीफ़ है उनके लिए। और काफ़ी बेहतरीन मूवी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मूवी ज़रूर देख लीजिए। और ये सॉन्ग अगर आप लोगों ने नहीं देखा या और भी इस मूवी से सॉन्ग नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। और कैसा लगा आपको सॉन्ग वो भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और मेरा रिएक्शन कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तो और भी सॉन्ग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी रिएक्शन देखने के लिए काफ़ी सारे रिएक्शन हैं और काफ़ी सारे और भी रिएक्शन आएंगे। अपना रिक्वेस्ट भेजिए कि मैं किस सॉन्ग किस चीज़ पे रिएक्शन करूँ वो भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन को दबाइए और भी रिएक्शन देखने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ।